हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, प्रिया किचन का स्वागत है। आप देख सकते हो यहाँ पर उड़द की दाल है। मैं उड़द की दाल रात भर भिगो के रखी थी। अब इसके हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक। ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए मेरे साथ बने रहिए आप। इसे हम फर्स्ट पेस्ट करके लाते हैं। चलिए इसे पेस्ट कर लेते हैं उड़द की दाल को। फ्रेंड्स, मेंदू बड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आप देखिए। हरी मिर्च, जीरा, कड़ी प्लीप्स, प्याज, नमक स्वाद अनुसार, ये है अदरक बारीक कटी हुई, ये है हल्दी। सो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार से उसको हम निकाल। अब हम मेन उड़द की दाल का पेस्ट को यहाँ पर निकाल लेते हैं। सारे को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब सारे को हम यहाँ पर एक सारे मसाले को हम जो मैं बारीक कट कर रखी थी सारे को हम यहाँ मिक्स कर लेंगे इस बाउल के अंदर। और इसे भी ठीक से मिलाएंगे। इसे ठीक से फेंट लें आप। हल्दी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा हल्दी यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देती हूँ। अब इसे ठीक से हम चला लेते हैं। अब हम पैन कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें तेल ऐड कर देते हैं मेन दोबारा बनाने के लिए। इसे तब तक हम मेंदू बड़ा का देखते हैं डिज़ाइन आता है कि नहीं हमसे। ये डिज़ाइन करना ही बड़ा बात है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ फ्रेंड, मुझे इतना आता नहीं है ठीक से। सो अभी हम इसे क्या करेंगे, इस तेल में ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, बड़ा को हम अब बना रहे हैं। इसे हम फ्लेम बहुत कम कर दी है, धीरे धीरे पकाएंगे इसे। सो इसे पकने के बाद कैसा होता है, ये तो बनता बहुत टेस्ट, मैं पहले भी बहुत बनाई हूँ। इसे एक तरफ होने के बाद हम इसे फिर पलटेंगे, अब देखते हैं कि हुआ कि नहीं, अब तो बाकी है। सो इसे होने देते हैं, इसके बाद हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बड़ा। ये इवनिंग को हम लोग चाय के साथ खाएंगे। अब तो 6 बज चुके हैं यहाँ पर इवनिंग का। मैं चाय बना रही हूँ एक तरफ ये बड़ा बना रही हूँ। अब हम इसे चाय के साथ खाएंगे। आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।